टोटली डिसेबल्ड है, मेरा वाइफ नहीं है, डेथ हो गया, बच्चा नहीं है, मेरा जीवन करना मुश्किल हो रहा है, मेरे बगल वकील से पैसा लेके थोड़ा जीवन कर रहा हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हैं? साहब को हम एक ही कहना चाहेंगे, इस मामले में बहुत देर हो चुकी है, इंसाफ मिलने में बहुत देर हो चुकी है। साइबर क्राइम का मामला में दाते साहब का मैंने नाम बहुत अच्छा सुना है, विरार के पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, लेकिन क्या बताया है क्या मामला है? इस मामले में इनका काम डॉक्टर साहब का समाधान नहीं हो रहा है, इनका चोरी पकड़ी नहीं जा रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है विरार ईस्ट के डेंटिस्ट, जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर शिव प्रसाद मूर्ति के घर पे। इनके घर की कंडीशन जो मैं देख रहा हूं, हालांकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं उसको कैमरे पे दिखाऊं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो है पिछले कुछ समय से पैरालिसिस अटैक के हिसाब से बेड रेस्ट पे हैं पूरी तरह से, और इनकी वाइफ जो भी डॉक्टर थी जानी मानी, वो कोरोना में उनका इंतकाल हो गया, गुजर चुकी है। इनके औलाद नहीं है, आगे पीछे इनको कोई नहीं है, एक केयर टेकर है सिर्फ, वो इनका ख्याल रखता है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ये डॉक्टर साहब यहां रहते हैं। अब ये यहां रहने का इनका ग्राउंड मैंने आपको बताया, क्यों बताया, उसके पीछे का कारण ऐसा है कि इनके साथ अभी एक ऐसा फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड किसी के भी साथ में होता है, फ्रॉड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रॉड होने के बाद में प्रशासन का सहयोग न करना बड़ी बात है। इनके साथ में फ्रॉड हुआ, इनकी जिंदगी भर की कमाई हुई 15 लाख रुपए की रकम बैंक अकाउंट से चुटकियों में गायब कर दी जाती है। आजकल हम सभी को मालूम है कि कैसे हैकर्स जो बैठे हुए हैं वो किसी भी तरह से अकाउंट खाली कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बार बार पुलिस भी इस बारे में जागरूकता अभियान फैलाती है और बहुत से ऐसे मैसेजेज आते हैं कि इस तरह के हैकर्स से बची रही है, लेकिन हैकर्स ने अपना काम कर दिया। पिछले महीने की जून की 6 और 7 तारीख की ये घटना है, 1-1.5 महीना करीब इस घटना को हो चुका है, जिसके बाद में इन्होंने अपने सहयोगी एक एडवोकेट खलील शेख के साथ में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, FIR किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद आज वो न्याय के लिए तरस रहे हैं। आज इनकी ऐसी सिचुएशन है कि इनके पास अपने खुद के खर्चे के पैसे के वांदे हैं, और ये अपना खर्चा चलाने के लिए यहां वहां से पैसा मांगकर खर्चा चला रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशासन कोई दाद नहीं दे रहा है, और न ही बैंक जिसकी ये पूरी जिम्मेदारी है। RBI कहता है कि इस तरह से फ्रॉड होते हैं तो उसमें पूरी की पूरी जवाबदारी बैंक की है, तो बैंक ने भी अभी तक इनको कोऑपरेट नहीं किया है, ऐसा आरोप इन्होंने और इनके सहयोगी अशोक खलील शेख साहब ने लगाया है। आप वीडियो में सुनेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, हमने इन दोनों से मुलाकात की अभी वो, लेकिन कहीं ना कहीं यह मामला जो है सिर्फ फ्रॉड का नहीं है, यह मामला है प्रशासनिक नाकामी का। फ्रॉड होना मैंने जैसे पहले बोला कि बड़ी बात नहीं है, आज के जमाने में काफी बहुत आसानी से फ्रॉड होते हैं, हैकिंग होते हैं, कई बार हैकर्स बड़ी बड़ी वेबसाइटों को, डिफेंस की वेबसाइट को, उसको भी हैक करते हैं, तो वो हैकर्स तो उनका काम ही हैक करना है, लेकिन उसके पीछे साइबर सेल जो है, जो उन मामलों की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उन मामलों को खोज कर निकाले और ऐसे हैकर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाए, वो आखिर साइबर सेल कर क्या रही है? इस मामले में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि साइबर सेल ने कुछ किया हो। तो ये स्टोरी मैंने आपको बताई, अभी आप आगे सुनिए डॉक्टर साहब के बयान और उनके जो सहयोगी एडवोकेट खलील शेख है उनके बयान। अभी के लिए सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर अशोक प्रसाद। आपके साथ क्या हुआ बताएंगे? जून महीने में 6-7 तारीख को मेरा HDFC विरार ईस्ट ब्रांच से मेरा सेविंग अकाउंट से 15,19,000 रुपए कोई फ्रॉड ने IMPS से पूरा निकाल दिया 12 ट्रांजैक्शन में विदाउट माय नॉलेज, और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अराउंड 85,000 सेम डे मे बी सेम फ्रॉड है निकाल दिया अमाउंट, एंड ऑल्सो GoIBO ट्रैवलिंग कंपनी से मेरा वैलेट से अराउंड 70,000 निकाल दिया। बाद में मैंने FIR दिया सेम डे में, और मेरा बाजू में वकील जी, नोटरी खलील शेख जी,
हम दोनों मिलकर इधर FIR करवाया और पुलिस वालों को बताया, बैंक वालों को बताया। अभी एक महीना हो गया और बता रहा है अभी तक कुछ नहीं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मैं टोटली डिसेबल्ड है, मेरा वाइफ नहीं है, डेथ हो गया, बच्चा नहीं है, मेरा जीवन करना मुश्किल हो रहा है। मेरे बगल वकील से पैसा लेके थोड़ा जीवन कर रहा हूँ। आपकी क्या मांग है? मतलब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? मेरे रिफंड आना चाहिए, अमाउंट जो फ्रॉड हो गया अमाउंट रिफंड आना चाहिए। और मैसेज बैंक वाला मैसेज भेजा, आपका अकाउंट में इतना बैलेंस है 15,19,000, बट होल्डिंग में रखा बोलता है, पेंडिंग में रखा बोलता है। अभी तक मेरे पास पैसा नहीं, खाने का तकलीफ है, सब तकलीफ है, मैं टोटली बेड रिडन है, अब मेरा आवाज भी मुश्किल है। सर आपका नाम? एडवोकेट खलील शेख। एडवोकेट साहब आपके नेबर हैं, उनके साथ में क्या हुआ और क्या विषय बताइए? मेरे बाजू में डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रसाद साहब हैं, ये डेंटिस्ट हैं, पैरालिसिस इनको अटैक आया है। पिछले साल कोरोना में इनके वाइफ का भी इंतकाल हो गया, अभी अकेले हैं। और इनके पैसे बैंक में थे, HDFC बैंक में, तकरीबन 15,00,000 के आसपास पैसे 6 और 7 जुलाई के जून के आसपास इनके बैंक से निकाल लिए गए। हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है और लेकिन जो अभी तक मूवमेंट होनी चाहिए, तरक्की इसमें कुछ नहीं है, तो बेचारे के खर्चे तक के मसला हो गया है। कोई जो इनके पास एक्सिस बैंक जो है उसमें से पैसे इनके निकाल लिए गए हैं और बेचारे के पास खर्चे तक को पैसा नहीं और उठ नहीं सकते, पैरालिसिस, इनको पैरालिसिस से माजूर है। क्या इस मामले में आपको ऐसा लगता है कि जो माजूर है, जो कमजोर है, उनको जल्दी इंसाफ नहीं मिलता है, पुलिस के द्वारा उतनी तत्परता से काम नहीं किया जा रहा है, या बैंक जो है जिस तरह से इनको सपोर्ट करना चाहिए उस तरह नहीं कर रही है? किसी भी डिपार्टमेंट से इनको कोऑपरेशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उनका समाधान नहीं हो रहा है, उनको तसल्ली नहीं हो रही है, ये मेंटली भी डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसा भी इनको उन्होंने बताया कि इनको ऐसा मैसेज आया कि वो 15,00,000 वापस इनके अकाउंट में आ चुके हैं। चीटिंग है ऐसा, ऐसा कोई चोरी के आदमी पैसा ऑफिस लाके देता है क्या? नहीं, लेकिन इनको बैंक ऐसा बोल रहा है कि वो पैसा फ्रीज किया है, तो बैंक का इसमें क्या रोल है? तो अगर फ्रीज किया तो बैंक बोलती क्यों नहीं है? तो पुलिस का काम है, बैंक वाले भी बात करें, मैंने बैंक के मैनेजर से बात की, उन्होंने बताया हमारे पैसा कुछ भी नहीं है, गलत बोल रहे हैं लोग। अगर पैसे आ गए हैं तो हमको दे दो ना पैसे हमारे, अगर पैसे आ गए हैं तो आपको पैसे हमारे देने चाहिए कि नहीं? आपको अगर आ गए तो हमारे खाते में जमा कर दो, हम निकाल लेते पैसे। तो मतलब बैंक वाले भी इनको गुमराह कर रहे हैं? गुमराही कर रहे हैं ना। इसमें आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने दाते साहब से क्या निवेदन करना चाहेंगे? दाते साहब को हम एक ही कहना चाहेंगे, इस मामले में बहुत देर हो चुकी है, इंसाफ मिलने में बहुत देर हो चुकी है। साइबर क्राइम का मामला में दाते साहब का मैंने नाम बहुत अच्छा सुना है, विरार के पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, लेकिन क्या पता है क्या मामला है इस मामले में, इनका काम डॉक्टर साहब का समाधान नहीं हो रहा है, इनका चोरी पकड़ी नहीं जा रही है, इनके मसला हल नहीं हो रहा है, जबकि एक्टिव पुलिस वाले हैं लोग, इनका नाम भी अच्छा है, दाते साहब के भी, हमारे विरार के जो PI है सुरेश साहब, इनका भी नाम अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या मामला है, किस वजह से मामला ये काबू में नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।